अभिषेक शर्मा के बल्ले ने किया है वार और चेन्नई के पास है उनकी चौथी हार। जी हाँ, यहाँ से 30 गेंदों में मात्र 31 रन चाहिए, जब 155 रनों का लक्ष्य का पीछा करने आई थी आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। गेंदबाजी पहले अच्छी थी, रोक लिया था चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 154 रनों पे, किसी भी बल्लेबाज को सिवाय वहाँ मोइन अली के एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने दिया। लेकिन क्या रहे हैं इस मुकाबले में हार के 5 कारण चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लक्षित। शुरुआत से करेंगे बात, क्या रहा है पहला कारण, सलामी बल्लेबाज आपके एक बार फिर से नहीं चलते हैं। जहाँ पे रॉबिन उथप्पा हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ हो, दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि अगर पहले 6 ओवर्स में ही, पावर प्ले ओवर्स में ही आपके सलामी बल्लेबाज चल जाएंगे, वहाँ रन्स नहीं बनेंगे, आप एक वहाँ से हार का कारण ज़रूर देख सकते हैं। दूसरा जो कारण रहेगा वो यही रहेगा कि एक बार फिर से सलामी बल्लेबाजों के साथ साथ मिडल ऑर्डर में कोई डिपेंडेबल खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी को आगे नहीं बढ़ा पाया है। जहाँ हमने देखा मोइन अली को स्टार्ट मिलती है, मोइन अली ने आज अपनी बल्लेबाजी में 35 गेंदों में 48 रन जरूर बनाए, लेकिन सेट होने के बाद 35 गेंदों में 48 बनाने के बाद वो आउट हो जाते हैं। अंबती रायडू 27 गेंदों में 27 रन बनाते हैं। यही हमने देखा कि दूसरा कारण यही रहेगा कि जहाँ पे सेट बल्लेबाजों को स्टार्ट मिलती है लेकिन उसे आगे अग्रसर नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो हार का कारण रहेगा वो रहेगी कमी यहाँ पे इंजरीज के चलते। जहाँ दीपक चहर को ऑलरेडी खो चुके हैं मेजर इंजरी के चलते, वो नहीं खेल रहे हैं आईपीएल का मेजर हाफ, और उसके बाद बात कर ली जाए एडम मिलने जो आपके एक सलामी पेसर थे, विकेट्स लेना जानते थे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आते थे, उन्हें साइड स्टैंड की इंजरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इंजरीज का कंसर्न रहा है जो एक है हार का तीसरा कारण। चौथे कारण की बात कर रहे हैं, टॉस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस आईपीएल। जी यस, टॉस इज द बॉस। जहाँ पे हमने देखा है ये आईपीएल के सीजन का 17वां मुकाबला है और अभी तक हर एक टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी उतनी ही आसान हो जाती है। हार का पांचवा कारण और सबसे बड़ा कारण एक ही रहेगा, खराब कप्तानी का मुजाहरा जो हमें देखने को मिल रहा है रविंद्र जाडेजा से। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, अपनी फिरकी से, अपने दिमाग से, अपने तेज तरार दिमाग से महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे कर देते थे कार्य, लेकिन यहाँ पे कप्तानी का प्रेशर है रविंद्र जडेजा पे, जिसके चलते बॉलिंग चेंजेस उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, और कप्तानी के प्रेशर के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में विकेट्स आ ही नहीं रहे हैं। हालांकि किफ़ायती साबित हो रहे हैं, लेकिन विकेट्स अगर रविंद्र जडेजा नहीं लेंगे जो कि एक प्रमुख स्पिनर है, तो ऐसे जी बात बनेगी नहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। फिलहाल 4 मुकाबले, चारों में हार का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स को। देखना होगा क्या इस साल डिफेंडिंग चैंपियंस टीम कर पाती है क्वालिफाई, या फिर इन्हीं कारणों के चलते हो जाएंगे आईपीएल से बाहर। क्या है आपकी राय बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, और जाने से पहले लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।